हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 25 जून और 25 जून के सारे टॉप करंट अफेयर्स विथ मैप एंड जनरल स्टडीज़ के सारे फैक्ट्स सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। मैप को बहुत बेहतरीन तरीके से देखते हैं ताकि ज्योग्राफी की ऑटोमेटिक तैयारी हो, ज्योग्राफी के रिवीजन हो, पॉलिटी हिस्ट्री और भी जीएस के फैक्ट्स हम लोग रिवीजन करते चलते हैं। अगर आपको डेली क्विज चाहिए, क्विज आप लगाना चाहते हैं, अपने सही गलत आंसर देखना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर क्विज चलती रहती है, जब भी क्वेश्चन आएगा आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। साथ ही साथ जितने भी प्लेलिस्ट हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सारे प्लेलिस्ट को विजिट करें। अलग अलग वीडियो की प्रैक्टिस सेट चल रही है, सबको लगाया कीजिए। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है आज का, कहाँ पर 5.5 लाख साल पुराना हाथी का जीवाश्म खोजा गया? एट विच प्लेस 5 लाख ओल्ड एलिफेंट स्पीसीज फॉसिल फाउंड? तो ये फॉसिल मिला है सहारनपुर उत्तर प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश, ईटानगर या कुशीनगर, तो बताइए राइट आंसर। तो ये जो मिला है ये है सहारनपुर उत्तर प्रदेश में, 5 लाख साल पुराना। तो ये बहुत ज़्यादा प्रोपेंसिटी रहती है ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आने की, तो इसे प्लीज़ याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं और आते भी हैं, ठीक है, तो खासकर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में। तो ये तो हो गया यूपी। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? आपको एक ही नेशनल पार्क मिलेगा उत्तर प्रदेश में, जो आपको पता भी होगा, ठीक है। तो ये है दुधवा नेशनल पार्क, चंद्र प्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो पाया जाता है कहाँ पे? तो ये पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। अब नेक्स्ट चीज़ें हैं, आज हम लोग इंडिया का फिजिकल मैप रिविज़न करेंगे, फिजिकल इन द सेंस पर्वत पहाड़ ये सारी चीज़ें। तो मैंने कई बार बताया है, सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर है एक K2, आप यहाँ देख रहे हो K2 है, जिसे काराकोरम, कंचनजंगा, ये सब जो भी हैं अलग अलग राज्य में पढ़ते हैं, तो काराकोरम या K2 ये पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट है जास्कर रेंज, पीर पंजाल रेंज और काराकोरम रेंज, ये तीनों रेंज है जम्मू कश्मीर में, ये प्लीज़ याद रखिएगा, ये आपको याद भी रखना चाहिए। कल के वीडियो में हम लोग दर्रों को देखेंगे, कौन सा दर्रा कहाँ है। और एक है नंदा देवी, नंदा देवी पड़ता है उत्तराखंड में, और नंगा पर्वत ये पड़ता है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, नंगा पर्वत न्यूड, ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट है थार मरुस्थल, ये कहाँ है? तो ये है राजस्थान में, यहीं पे है अरावली रेंज, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुछ कुछ नदियों जो कि इसकी ज्योग्राफी का पार्ट हैं, जैसे कि घाघरा, गोमती, तो ये जो है गोरखपुर ये राप्ती नदी के किनारे है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, और मेरठ जो है कुछ कुछ कानपुर ये सब गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो कौन सी नदी किस सिटी के किनारे है आपको याद रखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और सीएम और गवर्नर आपको याद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस मतलब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे आज कमेंट करोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अगले चीज़ को रिविज़न करेंगे। 93rd मतलब कि 93वां ऑस्कर जो हुआ है, ठीक है, 93rd ऑस्कर अवार्ड कितने महीने के लिए स्थगित किया गया है, पोस्टपोन फॉर हाउ मेनी मंथ? तो ये जो है 2 महीने के लिए अभी पोस्टपोन किया गया है। अब आपको 92 ऑस्कर अवार्ड से कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए, इस पर हमने अलग से एक वीडियो बनाया था 92 ऑस्कर अवार्ड से। तो जोकिन फिनिक्स जो हैं उन्हें सबसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, और जो पैरासाइट मूवी है उसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था, जो कि सिंगापुर की फिल्म है, ये आपको याद होना चाहिए। 2 चीज़ें तो आपको ज़रूर याद रखो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस राज्य में शहरी गरीबों के लिए मनरेगा प्रोग्राम शुरू किया गया है? दरअसल ये जो मनरेगा प्रोग्राम है ये शुरू किया गया था ग्रामीण जो मजदूर होते हैं, जो एक तरीके से नहीं जा पाते दूर, उनके लिए महात्मा गांधी रोजगार गारंटी एक्ट आया था, मनरेगा, ठीक है, ये आया था। लेकिन ये पहला स्टेट है जिसने शहरी गरीबों के लिए भी इसे शुरू किया है, तो ये है झारखंड। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची, और हेमंत सोरेन यहाँ के सीएम हैं, और गवर्नर जो हैं द्रौपदी मुर्मू, क्या नाम है इनका? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो आइए हम लोग मैप में देखते हैं झारखंड को, और उससे जो भी राज बाउंड्री लगी हुई है सबको हम लोग देखेंगे। ये है झारखंड और यहाँ इसकी राजधानी है रांची, फिर इससे ऊपर है बिहार, इससे थोड़ा सा बाउंड्री उत्तर प्रदेश का भी लगा है, छत्तीसगढ़ का ज़्यादा लगा है, उड़ीसा का ज़्यादा लगा है, बंगाल का बहुत ज़्यादा लगा है, सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है वेस्ट
बंगाल के पास। बिहार जो है झारखंड से अलग हुआ कब, 2000 में, ठीक है, सन 2000 में अलग होता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि बिहार दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 22 मार्च को। और आपने बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा, बिरसा मुंडा, ठीक है, ये किस मुंडा विद्रोह से रिलेटेड है, और ये 1899 के करीब में बहुत खतरनाक विद्रोह हुआ था, जिसे सफाहोड़ विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, और ये फैला था इसी झारखंड रीजन में। तो हिस्ट्री के भी जो भी फैक्ट हैं उसे प्लीज़ याद करना चाहिए और रिविज़न करना चाहिए। झारखंड में जो नेशनल पार्क है वो है, क्या नाम है बताइए, बेतला नेशनल पार्क। झारखंड में स्टील प्लांट है उसका नाम है बोकारो नेशनल पार्क, ठीक है। और जमशेदपुर सिटी है यहाँ पे, जो कि एक इंडस्ट्रियल एरिया है, पूछा भी जाता है, जमशेद जी टाटा ने इसे स्थापित किया था। तो आइए अब कुछ और चीज़ें हैं जो जैसे हजारीबाग प्लेचू ये सब हैं झारखंड में, तो ये रहा झारखंड। नेक्स्ट पॉइंट है, देखते हैं क्या मिलता है। जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये बहुत बड़े एक हमारे अर्थशास्त्री हैं, अमर्त्य सेन, इनके बारे में आप अगर नहीं जानते हों तो ज़रूर पढ़िए। इन्होंने एक बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं, इनकी एक फेमस बुक है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियंस, इसे ज़रूर पढ़िए, खासकर बिहारियों के लिए ये बुक बहुत ही अच्छी है, और ये काफ़ी महंगी आती है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए। अमर्त्य सेन को ये अवार्ड दिया गया, जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार। फिर बात होती है अमर्त्य सेन को, इन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था इकोनॉमिक्स का। अब किस कॉन्सेप्ट के लिए दिया गया था, इन्होंने वेलफेयर इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट दिया था, वेलफेयर इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, अमर्त्य सेन ने, ठीक है। अब अनूप सिंह, दूसरा जो एग्जाम्पल है, दूसरा जो ऑप्शन है, अनूप सिंह क्या है, तो हमारे NSA नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, NSG के ये हेड हैं, पायल जांगीर, इन्हें ग्लोबल चेंज मेकर अवार्ड दिया गया था, नरेंद्र मोदी को भी दिया गया था ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, चेंज मेकर अवार्ड पायल जांगीर को, और दोनों किसके द्वारा दिया गया, तो प्लीज़ ये दोनों याद रखिएगा, गोलकीपर अवार्ड स्वच्छ भारत अभियान के लिए नरेंद्र मोदी को रिसेंट में दिया गया है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा, और पायल जांगीर को दिया गया है कौन सा अवार्ड, चेंज मेकर अवार्ड, ये भी बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट, लीजेंड ऑफ सुहल देव, ऑथर इज लीजेंड ऑफ सुहल देव के लेखक कौन है, ये एक अभी फेमस किताब चल रही है जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो ये लिखा गया है अमीश त्रिपाठी के द्वारा, अमीश त्रिपाठी, ओके डियर, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, अमीश त्रिपाठी इज़ द राइट आंसर। चलिए, फिलीपींस में भारत के नए राजदूत कौन हैं, तो फिलीपींस में भारत के नए राजदूत होंगे शंभु एस कुमारन। अब जितने भी राजदूत अपॉइंट हुए हैं सबको हम लोग रिविज़न करेंगे, और इनमें सबसे पहला नाम जो आता है वो नाम है किसका, मोनिका मेहता, ये कहाँ अपॉइंट हुई हैं, ये अपॉइंट हुई हैं स्विट्ज़रलैंड में। राहुल श्रीवास्तव, ये कहाँ अपॉइंट हुए हैं, ये हैं रोमानिया। रवीश कुमार, ये अपॉइंट हुए हैं फिनलैंड, फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, ठीक है दोस्तों। और तो इतने अपॉइंटमेंट रिसेंट में हुए हैं। तरनजीत सिंह सिंधु, ये अपॉइंट हुए हैं US में। और हमारे अभी फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला, ये अभी फॉरेन सेक्रेटरी हैं, और अनुराग श्रीवास्तव, ये स्पोक्स पर्सन ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री हैं। आज हम लोग एशिया को बहुत ही अच्छे से रिवीजन करने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए, जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको लगेंगे बहुत मैं स्लो बोलूँगा, आपको याद रखना है। तो सबसे पहले ये एशिया का मैप आप लोग देख के समझ लीजिए, ये सबसे ऊपर है आर्कटिक सर्कल, और ये है नॉर्थ अमेरिका इसके ठीक ईस्ट साइड में। तो बेरिंग स्ट्रेट के द्वारा एशिया और नॉर्थ अमेरिका अलग होता है, उसके नीचे है बेरिंग सी, फिर है सी ऑफ ओखोटस्क, नेक्स्ट है नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक बेसिन, सबसे पहले हम लोग समुद्र देख रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, और वेस्ट साइड में है यूरोप। मैप पढ़ना सीखिए, कैस्पियन सी और ब्लैक सी दोनों को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। अब क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे फोकस रखेंगे, ध्यान अपना बनाए रखिए। कैस्पियन सी के साइड में जितने भी देश हैं इनसे सवाल पूछा गया है, तो आपको याद रखना चाहिए, कैस्पियन सी जो है लार्जेस्ट
लेक ऑफ द एशिया है, और इस कैस्पियन सी के बगल में देश कौन कौन से हैं देखिए, मैं टिक नहीं करूँगा, आपको ध्यान से देखना है, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान नहीं है, ध्यान से देखिए, कजाकिस्तान है, और उसके नीचे सीधे तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पे फिर आता है ईरान, और ईरान के बगल में आता है अजरबैजान, और फिर रूस, रशिया, ये रशियन पार्ट है यूरोप का, ये आ जाता है कैस्पियन सी में, इतने हैं। अब इसकी जो है एक तरीके से अभी बात चल रही है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, तो ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ऐसे ही है, भारत को इससे काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है दूसरा है एक ब्लैक सी, ब्लैक सी का तो मैंने ट्रिक बताया था, ध्यान से लिखिए RUBGT, जी टी रोड जो आप देखते होंगे वहीं, आर से होगा रशिया और रोमानिया, यू से होगा यूक्रेन, बी से होगा बुल्गारिया, जी से होगा जॉर्जिया, और टी से होगा टर्की, इतने देश जो हैं ये ब्लैक सी को घेरते हैं। ब्लैक सी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ब्लैक सी में जितने भी डी नाम से नदियां हैं, जैसे डेन्यूब, डेनिस्टर, नाइपर, उसका भी नाम डी से ही है, ये सारी नदियां ब्लैक सी में गिरती हैं, डी वाली नेम से जितनी भी रिवर हैं वो गिरती हैं ब्लैक सी में। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये है यांगटी सिक्यांग रिवर, ठीक है। चलिए अब हम लोग वेस्ट एशिया पे फोकस करेंगे, वेस्ट एशिया को हम लोग देखेंगे, और वेस्ट एशिया से ज़रूरी है कि हम लोगों ने फिलीपींस को देखा था ना, तो फिलीपींस से ही शुरू करते हैं, और एशिया का जो मैप सीरीज शुरू हुआ है उसमें तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ आपको, तो ये है फिलीपींस, आप ज़रा ध्यान से देखिए, आपने साउथ चाइना सी सुना होगा, आजकल चाइना बहुत ज़्यादा न्यूज में रह रहा है, ये साउथ चाइना सी में दो आइलैंड है, स्प्राइटले आइलैंड और पार्सल आइलैंड, ये दोनों आइलैंड पे चाइना जो है अपना कंट्रोल बताता है, तो आपको याद रखना चाहिए पार्सल आइलैंड ऊपर है, स्प्राइटले आइलैंड नीचे है, मैं आपको अगले दिन में मैप में ही दिखा दूंगा। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, और यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है, जिसके अभी रिसेंट में हेड चुने गए हैं मसात्सुगु असाकावा, ठीक है। मलेशिया की राजधानी है क्वालालंपुर, इंडोनेशिया की राजधानी है कहाँ है बताइए, इंडोनेशिया की जो भी नई राजधानी है आपको कमेंट करके बतानी है, और आसियान, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1967 में, तो इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, ठीक है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे ज़्यादा संख्या वाला, मतलब सबसे ज़्यादा आइलैंड की संख्या है इंडोनेशिया में ही, और ये आपको ध्यान रखना है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का, कई बार सवाल पूछा गया है आपको, स्ट्रेट ऑफ मलक्का मैं दिखाता हूँ, ये रहा सिंगापुर, और ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो पतली सी गली जा रही है, ये एक तरीके से इंडियन ओशियन को पैसिफिक ओशियन से जोड़ती है, या फिर जो भी लोकल सीज हैं उनको भी आपस में जोड़ती है, ये तो बड़े बड़े सी हैं जैसे साउथ चाइना से को इंडियन ओशियन से जोड़ती है, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए। स्ट्रेट मैंने जब पढ़ाया था तो आप लोग ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिए, उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट वीडियो पढ़ा दिए हैं। यहाँ पे है सुंडा स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट भी है, इधर ही एशिया पार्ट को जोड़ता है, इंडियन ओशियन आपको दिख रहा होगा, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कुछ आइलैंड कंट्री में, जैसे मालदीव है, ये बहुत छोटा देश है, यहाँ पे इसकी राजधानी हो जाती है मालदीव की, माले, और इंडियन ओशियन में है, इक्वेटर भी इंडियन ओशियन को क्रॉस करते हुए निकलता है, ठीक है। दूसरी चीज़, जो भी ये छोटे छोटे देश हैं जैसे कंबोडिया, कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन, कंबोडियन इसका, कंबोडिया का करेंसी आपको याद ही होगा। नेक्स्ट है थाईलैंड बैंकॉक, और बहुत यहाँ की करेंसी है, लाओस वियंतियाने, कीप यहाँ की करेंसी है, वियतनाम, वियतनाम की राजधानी है हनोई, और वियतनामीज डोंग, डोंग यहाँ की करेंसी है, ठीक है दोस्तों। स्ट्रेट की बात हो रही है तो लूजन स्ट्रेट आपको नहीं भूलना चाहिए, लूजन स्ट्रेट जो है ये कहाँ है, तो ये हांगकॉन्ग के पास है। अब आप लोग चीन बहुत न्यूज़ में है, तो चाइना ताइवान और चाइना हांगकॉन्ग दो रीजन को ज़रूर समझिए, चाइना और ताइवान जो है ये वन चाइना पॉलिसी के तहत रूल करता है, इस पर डेमोक्रेटिक थोड़े से फ्रीडम यहाँ पे दिए गए हैं। दोस्तों मैं इसलिए इतने डीप में बता रहा हूँ क्योंकि एशिया को आपको बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए, आई होप आपको सारे फैक्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट फैक्ट की तरह हम बढ़ेंगे, उत्तराखंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं। अब कोच जो होता है क्रिकेट में, इसका नाम ज़रूर याद रखना चाहिए, तो ये बने हैं वसीम जाफ़र, वसीम जाफ़र अभी रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले
पहले भारतीय बने हैं, मतलब रणजी ट्रॉफी में इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाया है, वसीम जाफर, प्लीज़ याद रखिएगा। तो आपको ये बताना है कि ये उत्तराखंड के मुख्य कोच बने हैं। अब आपके लिए सवाल इसमें ये है, जो क्रिकेट लवर हैं उनके लिए, कि इसने कितना रन बनाया था, मतलब जो रिकॉर्ड बनाया था वो कितने रन का बनाया था, 350, 250 जो भी है आप बता सकते हो। इमरान खान आपको पता ही है, ये भी पाकिस्तानी क्रिकेटर था और अभी ये पीएम है एक नापाक देश का। सौरभ गांगुली, ये हमारे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट तो सौरभ गांगुली हैं, ये 39th नंबर के हैं और इसके स्थापना हुई थी 1928 में। बीसीसीआई और आईसीसी दोनों में डिफरेंस समझिए, आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में, ठीक है, कहाँ है, दुबई में। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, बीसीसीआई और आईसीसी में दोनों में लगभग इंडियन ही एक तरीके से अपॉइंटेड रहते हैं, तो आईसीसी में शशांक मनोहर वहाँ के क्या हैं, प्रेसिडेंट हैं, और मनु साहनी वहाँ के सीईओ हैं, प्लीज़ याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और दुबई इसका हेडक्वार्टर है। कुछ रिसेंट जो होने वाले हैं गेम्स उनको आपको याद रखना चाहिए, उन गेम्स में मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। फुटबॉल का जो एक तरीके से अंडर 20 विश्व कप होगा वो कहाँ हो सकता है, तो वो होगा मे बी भारत में ही, अगर कोरोना ने परेशान नहीं किया तो। रिसेंट में कुछ और गेम्स हुआ, जैसे कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ है उड़ीसा में, ठीक है, भुवनेश्वर और पुरी में। और खेलो इंडिया यूथ गेम, दो तरह के गेम है, यूथ गेम जो है वो हुआ है कहाँ पे, तो ये हुआ है असम में, ठीक है, गुवाहाटी में। चलिए अगले क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च निष्ठा विद्युत मित्र ऐप, तो ये एक तरीके से लॉन्च किया गया है निष्ठा विद्युत मित्र ऐप MP, मतलब कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। अब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो मध्य प्रदेश को भी हम लोग इजी वे में देखेंगे, बहुत ज़्यादा फैक्ट इससे पूछे भी जाते हैं। विथ मैप देखते हैं, इनकी फिजिकल ज्योग्राफी रिवीजन करते हैं, तो ये रहा मध्य प्रदेश। इसमें विंध्य रीजन तो आप ज़रूर याद रखिएगा, विंध्य, सतपुड़ा आ जाता है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर, लेकिन विंध्य जो है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो और कुछ इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणियाँ हैं जो कि पूछी गई हैं और आपको याद भी रखना चाहिए, तो ये क्या है बताता हूँ मैं आपको। देखिए बुंदेलखंड रीजन, ये एक तरीके का ज्योग्राफिकल इलाका है, ये भी है मध्य प्रदेश और एक तरीके से यूपी एमपी इन सब रीजन में पड़ता है। विंध्य रेंज आपने देख लिया, बघेलखंड ये एमपी में है, ठीक है, सतपुड़ा जो है ये पड़ जाता है महाराष्ट्र में। नर्मदा और ताप्ती दो नदियाँ जो हैं आपको याद रखना चाहिए, तो सतपुड़ा के नीचे से नर्मदा बहती हैं और तापी बहती है, सॉरी कन्फ्यूज़न नहीं आप लोग करिए, मैं ही थोड़ा गलत बोल दे रहा हूँ। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी बनाती हैं, मतलब रिफ्ट वैली बनाती हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखना है कि विंध्य और सतपुड़ा, ध्यान से सुनिए, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में से देखिए नर्मदा निकल रही है और सतपुड़ा के नीचे से तापी नदी निकल रही है, दोनों कहाँ गिरती है, तो अरब सागर में, ठीक है। क्योंकि मैंने कल बहुत कम GS के फैक्ट्स रिवीजन कराए थे, इसलिए आपको मैं आज स्थिर रख के रिवीजन करा रहा हूँ। अब मध्य प्रदेश के जितने भी नेशनल पार्क आपको याद है, बहुत इजी है, मैंने कई बार बताया है, उन सब को प्लीज़ सीरियल वाइज सीक्वेंस वाइज कमेंट बॉक्स में लिखें, देखते हैं कितने लोगों को याद है। ये पूरा भारत का मैप है, इसे कहते हैं वेस्टर्न घाट गुजरात से लेके यहाँ केरल तक, और ये है ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट जो है ये हो जाता है कोरोमंडल तट और नॉर्दर्न सरकार, दो पार्ट में बंट जाता है, और ये हो जाता है कोंकण तट और ये मालाबार तट, कोंकण मालाबार आपको याद होगा। श्रीलंका बहुत दिनों के बाद मैं आपको रिवीजन कराने जा रहा हूँ, तो दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो मन्नार की खाड़ी और कौन सा बे है, पाक की खाड़ी, पाक स्ट्रेट, ये है भारत और श्रीलंका के बीच में। चलिए तो ये आपको याद रखनी चाहिए, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखते हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विज़ के लिए प्लीज़ ज्वाइन कर लें टेलीग्राम, और सारे PDF भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। वोल्केनिक माउंटेन माउंट मोरपी लोकेटेड इन विच कंट्री, तो ये आपको पता है, ये है इंडोनेशिया जिसकी राजधानी, और डिटेल मैंने बताया है। विच कंट्रीज फर्स्ट प्रेसिडेंट नूर सुल्तान इज फाउंड कोरोना वायरस पॉजिटिव, किस देश के प्रथम राष्ट्रपति को कोरोना हो गया है, तो ये हैं कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नूर सुल्तान, ठीक है, इनकी राजधानी का नाम भी बदल दिया गया। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक बटन दबाइए, वीडियो को लाइक करने के लिए दिल से धन्यवाद, लाइक जरूर करना चाहिए आपको।
मुख्यमंत्री श्रमिक योजना ये लॉन्च किया गया झारखंड सरकार के द्वारा। इंडियाज बीएससी सेंसेक्स रैंक इन वर्ल्ड शेयर मार्केट, भारत का बीएससी सेंसेक्स का रैंक क्या है, तो ये है 10 नंबर पे रैंक पे आता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है इंडिया साइंड 200 मिलियन यूरो लोन एग्रीमेंट टू विच कंट्री, तो ये जो है भारत ने 200 लोन एग्रीमेंट मिलियन लोन एग्रीमेंट लॉन्च किया है, एक तरीके से पार्टनरशिप की है फ्रांस के साथ। नेक्स्ट है जो आपको कमेंट करना है और इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ये क्वेश्चन है इंटरनेशनल ओलंपिक डे ये कब मनाया गया विथ थीम, दोनों चीज़ें आपको कमेंट करनी है। और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच।